नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, अब आपकी कुंडली में राहु ने बहुत बड़ा खेल शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 40 साल के बाद राहु आपके कुंडली में सबसे आक्रामक भाव में आ चुके हैं, जिस कारण से आपके दुश्मन अब दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे तथा आपके जीवन में जो बुरी शक्तियां या फिर जो दुश्मन मौजूद है उनकी हालत गली के कुत्तों जैसी होती हुई दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों अब इनका काम तमाम आने वाले अगले 10 दिनों के अंदर दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आपके जीवन में चाहे जितना बड़ा दुख सदियों से चला आ रहा था, अब उनका सर्वनाश करता हुआ दिखाई देने वाला है राहु। दोस्तों आपके जीवन में जो लोग दुश्मन बनकर आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, तो उनके सर्वनाश की तैयारी अब हो चुकी है तथा आपकी किस्मत का कायाकल्प आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान होता हुआ दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान राहु की कृपा से आपका जीवन बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। और दोस्तों इस दौरान आपके ऊपर महादेव की भी असीम कृपा बनेगी जिस कारण से आपके जीवन में इन दो शक्तियों का महाप्रभाव दिखने वाला है और आपके जीवन में भी कई ऐसे चमत्कार भी होंगे जिसकी उम्मीद आपको बिल्कुल भी ना होगी। दोस्तों ये बदलाव इतने खास होंगे कि जैसे मानो कि पूरी किस्मत और ज़िंदगी अचानक से ही नई दिशा की ओर बढ़ने वाली है। दोस्तों आपके करियर के क्षेत्र से लेकर बिजनेस, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में महापरिवर्तन भी होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। दोस्तों अब मानो तो आपके जीवन की एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो का निर्माण ग्रहों के पूरी विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्मित किया गया है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सभी सत्य भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखिए। दोस्तों महादेव की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपके जीवन के भी सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और आपके ज़िंदगी में जितने भी दुश्मन तत्व तो बने हुए हैं उन सभी से अब आपको मुक्ति भी मिलेगी। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के बड़े ही सुंदर सारमूल ज्ञान के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि किसी के कहने से यदि अच्छा या फिर बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरह से नरक बन जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस आप वो करो जो आपको अच्छा और सच्चा लगे। दोस्तों कि मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। दोस्तों आप लोग हमेशा एक बात को अपने जीवन काल में जरूर ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों कभी भी किसी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाया करो, क्योंकि काल में इतनी शक्ति होती है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों गुरु जी का यह बातें आप लोगों को अच्छा लगा हो और सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों गुरु जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान भगवान भोलेनाथ और राहु के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदलने वाले हैं, आपकी किस्मत किस तरह से करवट लेने वाले हैं और आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियां और क्या क्या शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाले हैं, आइए पूरी जानकारी देते हैं विस्तारपूर्वक से। दोस्तों आने वाले ये 10 दिनों का समय आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और राहु के आशीर्वाद से बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। दोस्तों यदि आप बीते कुछ समय से किसी भी रोग या फिर किसी भी अन्य शारीरिक कष्ट से पीड़ित चल रही आ रहे थे, तो आपको ऐसे उससे आराम भी मिल जाएगा और आपके काम में आ रही अड़चन भी ऐसे दूर करने में आपके साथी काफ़ी मददगार साबित भी ऐसे होंगे और ऐसे परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुड़े छात्रों को भी शुरुआत में ही कोई बड़े शुभ समाचार भी मिल सकता है।
जिनसे कि उनका मन या समय काफ़ी प्रसन्न और खुश भी नज़र आएगा। और दोस्तों इस दौरान करियर कारोबार के सिलसिले में की यात्रा भी मन मुताबिक सफलता एवं लाभ दिलाने वाले साबित होंगी। यदि आपका कोई भी पैसा बाजार या फिर किसी भी योजना आदि में अटका हुआ था तो यह समय अप्रत्याशित रूप से निकल कर भी आएगा। और दोस्तों यह समय के उत्तरार्ध में परिवार संग किसी भी धार्मिक या फिर पर्यटन स्थल की यात्रा के योग भी बनेंगे। और इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा और प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। दोस्तों यह समय लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। और दोस्तों यह समय वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। और दोस्तों आपको यह समय उन लोगों से बेहद ही सावधान रहने की जरूरत रहेगी जो अक्सर गुमराह करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। और दोस्तों कार्य क्षेत्र हो या फिर घर परिवार के किसी के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम आग उठाने से यह समय बचे। और दोस्तों यह समय की शुरुआत में ही नौकरी पेशा लोगों के सिर पर अतिरिक्त कामकाज का बोझ भी आ सकता है। यह समय हालांकि उसे निपटाने में आपके मित्र काफ़ी मददगार साबित भी होंगे। और यह समय पढ़ने लिखने वाले छात्रों के लिए भी शुभ साबित होने वाला है। दोस्तों यह समय के अंत तक उन्हें कोई बड़ी खुशखबरियां भी मिल सकती हैं। और दोस्तों यह समय व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी बड़े सौदे को करते समय एक बार अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके थोड़ा सा चुनौती भरा भी रह सकता है। ऐसे में किसी भी योजना या फिर कारोबार में धन निवेश सोच समझ कर ही करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों यह समय आर्थिक अवसरों का लाभ भी आप लोग उठाएंगे, धन धान में इजाफा भी होगा और महत्वपूर्ण कार्यों को गति भी देंगे और कार्य विस्तार में रुचि भी लेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे और चारों ओर श्रेष्ठ प्रदर्शन भी आप करेंगे। दोस्तों यह समय करियर कारोबार में तेजी भी बनाए रखेंगे। और दोस्तों रूटीन एवं व्यवस्था संवार में बेहतर भी बने रहेंगे और आय के नए स्रोत भी ऐसे में निर्मित होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा और पेशावर मजबूती भी बनी रहेगी। करियर कारोबार में फोकस भी रखेंगे और सबको साथ लेकर ही आप यह समय चलेंगे। और यह समय अवरोध दूर भी होंगे और इच्छित परिणाम यह समय बनेंगे। और दोस्तों यह समय नौकरी और कारोबार के लिए परिस्थितियां अत्यंत ही अनुकूल है। रोजमर्रा की आमदनी में बढ़ोतरी भी होंगी और आय के नए नए स्रोत भी यह समय खुलेंगे और किसी भी नई आय की योजना भी बनेगी। इसलिए आपने काम के प्रति एकाग्रता चित रहें। और दोस्तों यह समय गर्मी से अपने आप को बचाकर ही रखें और सिर दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्याएँ भी हो सकती है। और दोस्तों यह समय परिवार में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। यह समय आप मामूली बातों को नज़रअंदाज कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों यह समय कुछ लोगों को अच्छा महसूस भी होगा और छोटी छोटी बातों को लेकर आप ज़्यादा परेशान या समय बिल्कुल ही ना हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण दायित्व को निभाने के मूड में यह समय हो और कोई भी आवश्यक कार्य अधूरा बिल्कुल ही आप ना रखें।